अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं भाई? आज खापे का मूड है और खापे का भी सीन है। दोस्त आ चुके हैं मेरे दरवाज़े पे खड़े हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जा रहा हूँ और फिर बताते हैं कहाँ जाना है, क्या सीन है, जो भी होगा। अभी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, दोस्तों से पूछते हैं फिर बताते हैं। भाई अभी गाड़ी हम बैठे ही थे और थोड़ा दूर चले ही थे। घर से निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं। के चलान कट गया है क्योंकि लाइसेंस ना था, ना कोई ड्राइविंग आती है, तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। और क्या भी क्या हुआ, कैसे जान छुटी? चलान कट गया, 170 का चलान कट गया। ये बदबाल हो ना लाइसेंस। ये शुएब भी मेरे साथ है अभी, और ये इम्तियाज को तो आप जानते हैं, और चौथा बंदा जो है वो फर्रुख है। शुएब क्या प्रोग्राम है अभी, कहाँ जा रहे हैं? जनरेशन 90 जाएंगे। वहाँ पे क्या है, क्या वीजा का है? वीजा है। सीन बिल्कुल चेंज हो गया था, तो हमारा बीच में इरादा हो गया जनरेशन 90 आने का। शुएब ने मशवरा दिया कि जनरेशन 90 आजकल बहुत मशहूर हुआ हुआ है, पिज़्ज़ा और बॉडी थिकनेस है। लेकिन जब हम यहाँ आए जनरेशन 90 पे, गुलशन में है ये रब मेडिकल के पास, तो ये बंद पड़ी थी शॉप इनकी, तो हमने इधर ही बैठे क्योंकि ड्राइविंग आ नहीं रही थी, और खौफ के आलम में ये फैसला किया कि यहीं रुकते हैं और जौहर वाले दोस्त को यहीं बुला लेते हैं, उसको भी करीब पड़ेगा और हमें भी वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो खैर वो भी आ गया था जैसे कि आपने देखा, तो हमने ये पीछे जो गोलगप्पे वाला दिख रहा है ये बिल्कुल जनरेशन 90 के बराबर में शॉप है, यहीं से हमने गोलगप्पे और चाट खाई और अब जो है रवानगी के लिए इंशाल्लाह घर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त आ जाते हैं तो फिर अब निकलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब शुरुआत की है वीडियोस बनाना, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छी आने लगेगी, लेकिन स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें। अल्लाह हाफिज़।